हाइजीन का एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है कि सबसे पहले तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। दूसरी चीज है कि आपको सेंटर है आपका अच्छे से देख लेना है कैसे जाना है आपको, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड के साथ में आपका फोटो आईडी कैरी करना है, एक फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी लेके जानी है, ठीक है। दूसरी चीज कि देखो भाई, जिस जिस सेक्शन को आपने आपके मॉक में सबसे पहले किया है वही सेक्शन, वही जो क्रम है वो वहां पे फॉलो करना है आपको एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप मॉक में तो रीजनिंग पहले कर रहे थे और आपका जो एग्जाम है मेन उसमें आप मैथ्स पहले करने लगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन है उनको स्किप करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग मैथ, अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो पेपर को कंप्लीट करना, ना कि किसी इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है उसमें स्कोर अच्छा करना, ठीक है। दूसरी चीज कि आप है पेपर के टाइम पे बिल्कुल भी प्रेशराइज फील नहीं करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत हैं, कट ऑफ होपफुली कम ही जाने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल एक्टिव रह के आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लेना है कि मेरा प्री नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको देखो भाई, रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन आपके सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग है उनके क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। या कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट है उसका क्वेश्चन अच्छा आ जाएगा, तो उसको आपको स्किप करना है और दोबारा फिर जब टाइम मिलेगा उसके बाद में करना है। ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में वो पेपर खराब कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो भाई, मैथ्स है सबको पता है कैलकुलेटिव आ सकता है, तो सबके बैक ऑफ माइंड में तो सब उसके लिए रेडी रहते हैं, लेकिन रीजनिंग है वो सरप्राइजिंग हो सकता है। जीएस आपको पता है एज यूजुअल अनएक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है, कोई पता नहीं है, मतलब आपके फेवर का भी आ सकता है और जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज इंग्लिश, इंग्लिश आपको एज यूजुअल नॉर्मल सी बात है कि टीसीएस जब से है इंग्लिश है उसका लेवल कम कर दिया है, तो इजी इंग्लिश पूछ रहा है तो आपको भी उम्मीद लेके चलना है कि इजी आएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से, होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और आपकी सब आपके ड्रीम पोस्ट तक पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट।